अलन तालुका बुसनू टांडा में गुलबर्गा सब अर्बन पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल्स के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है। दरअसल गुलबर्गा सब अर्बन पुलिस स्टेशन में एलएनटी फाइनेंस कंपनी के जरिए उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिथुन के खिलाफ 420 केस दर्ज कराया गया था। मिथुन के ऊपर यह इल्ज़ाम है कि वो 2 साल से एलएनटी फाइनेंस कंपनी में काम कर रहा था और पिछले कुछ महीनों से लोन लिए कस्टमर्स के मंथली इंस्टॉलमेंट्स कलेक्ट कर खुद अपने पर्सनल खर्च में इस्तेमाल कर रहा था। एलएनटी फाइनेंस कंपनी को शक होने पर ऑडिट टीम के जरिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो मालूम हुआ मिथुन ने अब तक 1,35,000 से ज़्यादा रुपया हजम कर लिया है। फाइनेंस कंपनी ने मिथुन से पैसा वापस लौटाने के लिए मोहलत भी दी पर कोई रिस्पांस न मिलने पर मिथुन के खिलाफ 10 अक्टूबर को 420 केस दर्ज कराया गया था। मिथुन को गिरफ्तार करने सब अर्बन पुलिस स्टेशन से भीमा नायक और वेंकटेश नामी दो कांस्टेबल अलन तालुका भुसनू टांडा पहुंचे और वहां मिथुन के घर वालों ने पुलिस कांस्टेबल्स पर हमला कर इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा करते हुए पुलिस के साथ हाथापाई की है। पुलिस कांस्टेबल्स के बार बार समझाने के बावजूद मिथुन के घर वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस तरह इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस कांस्टेबल्स पर हमला करने पर इनके खिलाफ एक और केस निम्बरगा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है, जिसमें मिथुन के साथ इसकी माँ, बाप, बहन और दीगर कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है। मोबाइल 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 मोबाइल